सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बताए जाते हैं इंग्लिश सीखने के सबसे आसान और सरल रास्ते। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, वह नाचने लगता है, मीन्स जब भी कभी वो म्यूजिक सुनता है वो नाचना शुरू कर देता है, वो नाचने लगता है। वह रोने लगती है, मेरा भाई खेलने लगता है, वह डरने लगता है। इस तरह की सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम बिगिन एंड स्टार्ट। आपने सुना होगा बिगिन में शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है, प्रारंभ करना यानी शुरुआत करना। तो आज हम इन्हीं दो शब्दों को लेकर, दो वर्ब को लेकर ही सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिगिन एंड स्टार्ट, जैसे वह हंसने लगता है, दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा, वह हंसने लगता है मीन्स हंसना शुरू कर देता है, वह हंसने लगता है, गाने लगता है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लगता है, हंसने लगता है, गाने लगता है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं बता दूँ आपको कि इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, वह हंसना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही स्टार्ट्स टू लाफ। या अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो ही स्टार्ट्स लाफिंग। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना कि अगर हम टू नहीं लगाएंगे, बिना टू के अगर हम बनाना है हमको, तो ही स्टार्ट्स लाफिंग वर्ब में जो मेन वर्ब है उसमें आई एनजी लग जाएगा। ठीक है, अभी हम बिगिन से बनाते हैं, ही बिगिन्स टू लाफ, या ही बिगिन्स लाफिंग। या तो आप बिगिन से बनाइए या स्टार्ट से बनाइए, बात एक ही हुई है, लेकिन दोनों को याद रखना है, समझ लेना है कि हम इसको बिगिन से भी बनाते हैं और स्टार्ट से भी बनाते हैं। तो जब भी हम स्टार्ट टू या बिगिन टू का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम आई एन जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड वर्ब है वहाँ पर हम आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम इसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, इन सारे सेंटेंसेस को भी एक एक करके समझते जाते हैं। ठीक है, वह नहीं हंसने लगता है तो ही डजंट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसका हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जितने भी होंगे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के, सारे वही के वही लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ही डजंट स्टार्ट टू लाफ। अगर यहाँ हम टू नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर लाफिंग लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह हंसने लगता है, तो क्या हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो डज पहले लगाएंगे इसमें, डज ही स्टार्ट टू लाफ। ठीक है फ्रेंड्स, वह क्यों हंसने लगता है, तो व्हाई डज He start to laugh। यहाँ पर मैं एक ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ स्टार्ट का ही,
आप बिगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्टार्ट और बिगिन में से दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप टू नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर लाफ में, यानी कि जो सेकंड वर्ब आ रहा है उसमें जो भी वर्ब वहाँ पर आए उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स हो गया। और इस तरह के मैंने इस पैटर्न्स के जितने भी सेंटेंसेज आएंगे सारे के सारे सेंटेंसेज इसी तरह से बनाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि वह हंसने लगता है यही आएगा तो हम इस तरह से बोलेंगे, वह रोने लगता है, वह काम करने लगता है, वह सोने लगता है या वह खेलने लगता है, इस तरह का आएंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यही है, क्योंकि पैटर्न सही है, सेंटेंसेस वही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको सारे इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे सबको हम बिगिन या स्टार्ट लगाकर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा स्क्रीन पे ही समझते हैं और भी अच्छी तरह से, कुछ दो चार दस और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने लगते हैं, माई फादर स्टार्ट्स टीचिंग मी, या माई फादर स्टार्ट टू टीच मी। मेरा भाई खेलने लगता है, माई ब्रदर बिगिन्स टू प्ले, या माई ब्रदर स्टार्ट्स टू प्ले। वे लोग हंसने लगते हैं, दे स्टार्ट टू लाफ, या दे स्टार्ट लाफिंग। ठीक है फ्रेंड, वह बच्चा रोने लगता है, दैट चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, या दैट चाइल्ड बिगिन टू क्राई। वह गीत गाने लगता है, ही स्टार्ट्स सिंगिंग, या ही बिगिन्स सिंगिंग। मेरा दोस्त नाचने लगता है, माई फ्रेंड स्टार्ट्स डांसिंग। क्या वह गाली देने लगता है, डज ही स्टार्ट टू अब्यूज, या डज ही बिगिन टू अब्यूज। क्या वह नहीं नाचने लगता है, डजंट ही स्टार्ट टू डांस, डजंट ही बिगिन टू डांस। क्या वे लोग नहीं खेलने लगते हैं, डू दे नॉट स्टार्ट प्लेइंग, या डू दे नॉट बिगिन प्लेइंग। क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हंसने लगते हैं, डज योर फादर नॉट स्टार्ट टू लाफ, डज योर फादर नॉट बिगिन टू लाफ। क्या वह तुम्हें मारने लगता है, डज ही स्टार्ट टू बीट यू, डज ही बिगिन टू बीट यू। वह क्यों रोने लगता है, व्हाई डज ही स्टार्ट टू क्राई, व्हाई डज ही बिगिन टू क्राई। वह कहाँ नाचने लगता है, वेयर डज ही स्टार्ट डांसिंग, वेयर डज ही बिगिन डांसिंग। वे लोग क्यों झगड़ा करने लगते हैं, व्हाई डू दे स्टार्ट क्वारेलिंग, व्हाई डू दे बिगिन क्वारेलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से आज के टॉपिक को समझ चुके होंगे कि बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, जो हम लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप देखना, उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। हम 1 महीने के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, जिन्होंने भी सबसे ज़्यादा सही जवाब दिया होगा उनको मिलेगा पुरस्कार, और वो अभी सीक्रेट है कि पुरस्कार क्या मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।